हेलो बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जंगल की सैर। बच्चों, क्या आप कभी किसी जंगल में गए हैं? यदि हाँ, तो आपने जंगल में कौन कौन से जानवरों को देखा है, सोचकर बताइएगा। चलिए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से। रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। एक दिन गांव में रहने वाली छोटी सी लड़की चिंकी अपना रास्ता भटक गई। फिर क्या हुआ? फिर चिंकी रास्ता ढूंढते ढूंढते एक जंगल आ पहुंची। जंगल में सबसे पहले चिंकी को एक बंदर मिला। चिंकी ने बोला बंदर से, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे मेरा रास्ता बता सकते हो? बंदर बोला, हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें जंगल की सैर भी करवाता हूँ। चिंकी बहुत खुश हो गई। बंदर ने चिंकी को सबसे पहले हाथी से मिलाया। हाथी एक विशाल जानवर होता है, इसकी ऊंचाई लगभग 10 फुट तक बढ़ती है। हाथी एक बहुत उपयोगी जानवर है। बच्चों, आप स्क्रीन पर हाथी का चित्र देख रहे हैं, क्या आपने इसे पहले कभी देखा है? फिर बंदर ने चिंकी को जिराफ से मिलवाया। बच्चों, आप जिराफ की फोटो देख पा रहे हैं, क्या आपने कभी इसे देखा है? शायद आपने इसे नहीं देखा होगा। जिराफ धरती पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जानवर है। एक नर जिराफ की लंबाई 18 फीट तक होती है। जिराफ पूरे दिन में 10 से 30 मिनट तक ही सोते हैं। बच्चों, जिराफ सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर भी कहलाता है। और बच्चों, ये 10 से 30 मिनट तक ही पूरा एक दिन में सोते हैं, और अपन लोग कितना सोते हैं? लगभग 8 से 10 घंटे तो सो ही लेते हैं। अंत में चिंकी शेर से मिली। शेर, शेर को तो सभी बच्चे जानते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसका सिर बड़ा होता है, इसकी आंखें देखने में चमत्कारी दिखाई देती हैं। बंदर बोला, ये लो आ गया तुम्हारा गांव। चिंकी खुश हो गई और चिंकी बोली, जंगल की सैर करवाने के लिए धन्यवाद। बच्चों, अभी हमने जंगली जानवरों के बारे में जाना, अब हम इनके अलावा कुछ और जंगली जानवर होते हैं उनके बारे में भी समझते हैं। बाघ यानी कि टाइगर, इसे भारत का राष्ट्रीय पशु भी कहा जाता है। भालू यानी कि बियर। लोमड़ी यानी कि फॉक्स। हिरण यानी कि डियर। जेब्रा यानी कि जेब्रा। तेंदुआ यानी कि लियोपार्ड। बच्चों, अब हम जंगलों के बारे में कुछ समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। संसार के विभिन्न भागों में बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में जंगली जीव निवास करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जंगल कटते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी संख्या में कमी आती जा रही है। बच्चों, लोग अपने फायदे के लिए, लकड़ियों के लिए, जगह के लिए जंगलों की बहुत तेजी से कटाई कर रहे हैं, जिससे जंगलों में कमी आ रही है और इनमें रहने वाले जंगली जानवरों में भी भारी कमी आती जा रही है। शेर, बाघ, भालू, चीता, लोमड़ी, अजगर आदि बड़े शरीर वाले जीव मांसाहारी होते हैं। बच्चों, मांसाहारी क्या होता है? तो मांसाहारी
वे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से तैयार करते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। कौन कौन होते हैं मांसाहारी? तो शेर, बाघ, भालू, चीता, लोमड़ी और अजगर आदि बड़े शरीर वाले होते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। शेर को जंगल का राजा माना जाता है। हाथी जंगल का एवं भूमि का सबसे बड़ा जीव है। बच्चों, हाथी तो आप सभी ने देखा ही है, क्योंकि हाथी सबसे बड़ा जीव होता है भूमि का और जंगल का। जंगल में जहाँ बड़े खूंखार जीव रहते हैं, वहीं जिराफ, हिरण, नीलगाय जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या भी कम नहीं होती। बच्चों, शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन फूल, पत्ती, घास आदि खाकर करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी कौन कौन से जीव होते हैं? जैसे जिराफ, हिरण, नीलगाय जैसे जीव शाकाहारी होते हैं। वन्य प्राणियों में विभिन्न प्रकार के पक्षी एवं सरीसृपों का भी प्रमुख स्थान होता है। शाकाहारी जंगली जीव वन में उपलब्ध हरी पत्तियों, फलों एवं घास को खाकर जीवित रहते हैं। मांसाहारी हिंसक जीव छोटे या कम शक्तिशाली जीवों का शिकार करते हैं एवं उनका मांस खाते हैं। इस प्रकार जंगल में आहार की एक संतुलित श्रृंखला है जो जंगल के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करती है। बच्चों, जंगल में भोजन तो तैयार होता नहीं है जैसा अपने घरों में तैयार होता है। ऐसे इसलिए जंगली जीव दो तरह के होते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो फलों पत्तियों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। पानी के लिए जंगली जीव जंगल के झरनों, तालाबों या नदियों पर निर्भर रहते हैं। भोजन की व्यवस्था तो होती है, लेकिन पानी के लिए क्या करते हैं? पानी के लिए तालाबों, नदियों और झरनों पर निर्भर होते हैं। बाघों को उनकी खाल के लिए, हाथियों को उनके दांत के लिए तथा कुछ जानवरों को मांस के लिए मौत की नींद सुला देते हैं। कुछ लालची लोग अपने लाभ के लिए दुर्लभ जंगली जीवों को मार देते हैं। विलुप्त होते जा रहे जंगली जीवों को बचाने के लिए सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं। दुर्लभ जंगली जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए देश भर में वन्य जीव अभयारण्य तथा प्राणी संग्रहालय बनाए गए हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे और आपको उन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करना है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर चुटकी बजाते मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कोई 10 जंगली जानवरों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, जंगल का राजा किसे कहते हैं? बताइए बताइए, हाँ आपको तो पता है। प्रश्न नंबर 3, सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा होता है? ये भी आपको पता है। पानी के लिए जंगली जीव जंतु किस पर निर्भर रहते हैं? ये भी आप वीडियो को देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। जिराफ पूरे एक दिन में कितने मिनट सोता है? ये भी प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिल जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। शाकाहारी जीव जंतु जंगल में क्या खाकर जीवित रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आप ढूंढिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, जंगल में रहने वाले शाकाहारी जीव जंतुओं के नाम बताइए। प्रश्न 8,
मांसाहारी जीव जंतु जंगल में क्या खाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पता करना है। प्रश्न नंबर 9, जंगल में रहने वाले मांसाहारी जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें।